खूबसूरत फॉरेस्ट है, जंगल में बने रास्तों को आप देखिए कैसे रास्ता बनी हुई होती है, और यहाँ पे भयानक से भयानक जानवरों का आना जाना होता है। अभी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले इस जंगल में तेंदुआ देखा गया था, हाथी, शेर, बाघ, इन जानवरों का यहाँ पे आना जाना लगा होता है, और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक जानवर रहते हैं। विशालकाय अजगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और इस जंगल में हम लोग रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग भी काफ़ी अलर्ट, काफ़ी सावधान होते हैं कि किस तरफ से कौन जानवर अटैक मार जाए, तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए हम लोग इस फॉरेस्ट में विचरण करते हैं। यहाँ पे जंतुओं को रिलीज करने के लिए आते हैं, काफ़ी रिस्क होता है, किंतु ये इन जंतुओं के लिए, स्नेक के लिए ये काफ़ी उत्तम जगह होता है, जहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे आसानी से जीवन बिताते हैं, और यहाँ पे इन्हें पर्याप्त शिकार भी मिला करते हैं, क्योंकि इंसानी बस्ती में खतरा होता है, कभी ये घर में आ जाते हैं, कभी खेत मैदान में पहुँचते हैं, क्योंकि पेट है तो शिकार तो करना ही पड़ेगा, लाजमी सी बात है, तो ये शिकार के चक्कर में आया करते हैं। आप देख रहे हैं कि जंगल के कितने भ्रामक रोड होते हैं कि थोड़ा सा भी भटक जाए तो आप घूमते रहेंगे जंगल में, इसीलिए हम वीर बहादुर भाई को लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ के ये माहिर हैं, यहाँ जंगल के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से जानकारी रखते हैं, और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और स्नेक को रिलीज करते हैं। आप इनकी आवाज़ को सुन सकते हैं, ये जाने के लिए बेहद परेशान है। आप देख सकते हैं कोबरा कैसे पीछे की तरफ भाग रहा है। और ये काला नाग, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग, आप देख सकते हैं इसके फन पे बनी हुई आकृति को आप देख सकते हैं करीब से, और ये बेहद आक्रामक है, और ये शीत निद्रा की तैयारी में ये सब जगह तलाश चुका था, किंतु लोगों की निगाह पड़ गई और लोग इन्हें देख लिए और इन्हें रेस्क्यू करवाए, और इन्हें हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। और आप इनका स्वभाव ही होता है कि अपने सेफ्टी के लिए दूसरे को अटैक मारना, और ये स्नेक काफ़ी क्रोधित है क्योंकि अपने शीत निद्रा की तैयारी में लगा हुआ था और छिप नहीं पाया, इन्हें लोगों ने देख लिया, हमने रेस्क्यू करके ले आए हैं, और ये अब तक का एक काफ़ी खूबसूरत और एक काला नाग है जिसे हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, और इन्हें हम यहाँ पर रिलीज करते हैं। यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत कर सकेंगे, निर्भय होकर के इंसानी बस्ती से दूर, क्योंकि इनका वास्तविक घर फॉरेस्ट ही होता है, और ये यहाँ पर ही अपने आप को सेफ्टी कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग, इन्हें बचाए रखना अपना मानव धर्म है, इन्हें बचाना काफ़ी अनिवार्य है। और ऐसे स्नेक की वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube मौर्य स्नेक और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग, और ये काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारा काला नाग है, और ये काफ़ी आक्रामक, काफ़ी खतरनाक होते हैं, और इन्हें फॉरेस्ट में रिलीज कर
और ये अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जाना चाहता है और इसे हम जाने देते हैं। और स्नेक अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा चुका है, हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।